बाहर किसानों की ओर से धरना लगाया गया, जहां पर महिला, किसान और छोटे-छोटे बच्चे भी शामिल हुए, जिन्होंने कहा कि जब तक खेती बिल रद्द नहीं होते, उनका यह धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। और जो मोदी द्वारा 5 साल की सजा, 1 करोड़ रुपए जुर्माना किया गया है, इससे कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि उम्र कैद की सजा भी की जाए, तब भी वह पराली जलाना बंद नहीं करेंगे। रेलवे ट्रैक असी तो नहीं घेरे हुए है, ये तो इन्होंने गल्लां बनाईयां होईयां, असी कोई रेलवे ट्रैक नहीं घेरे हुए है। तो रही गल पराली साड़न की, साड़ी परालियां तो एवं ही सड़नगियां जदों तक है असी। जदों इन्हां दे जे ये पोल्यूशन की गल करते हैं, इन्हां दे भी तो मोटर गड्डियां कारां इन्ना कुछ है, उन्हां उत्थे भी तो पोल्यूशन हुंदा ही होना, साड़ियां गल्लियां इन्हां दा ही पोल्यूशन क्यों हुंदा इन्हां नूं? मैनूं लगदा क्यों इदां दे बयानबाजी कर रही है मोदी सरकार। बस इन्हां दी हमेशा तो नीति रही है भी फुट पाओ तो राज करो, बस उही है इन्हां दे मन दे विच भी, ये किसानों के फुट पाएंगे तो यह राज करेंगे, पर असं इदा का बिल्कुल नहीं होता है। हाँ जी, जिदा कि केंद्र सरकार का फरमान जारी होया 5 साल की सज़ा, 1 करोड़ जुर्माना, किसानों का ये उपर की कहना पहले सब तो पहले गल? किसान जी, किसान पहले बड़ा दुखी है, किसान बिल्कुल जुर्माना नहीं भरेगा, असी 10 रुपये जुर्माना नहीं भरते, नाले पराली फूकेंगे। साड़ी पराली का प्रदूषण सिर्फ 10 दिन होंगे, 8 दिन हफ्ता होंगे। जिहड़ियां वड्डियां वड्डियां फैक्ट्रियां दिल्ली च चलदियां ने, शहरां च बड़ा बड़ा धुआं 24 घंटे फैलाउंदियां ने, उन्हां नूं ये देखदे नहीं।